अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं कलरफुल सेवियां। कुछ पहले तो हम लोग कस्टर्ड में भी बनाते हैं वैसे भी, लेकिन ये मैं कुछ कलरफुल सेवियां बनाऊंगी ड्राई फ्रूट बीच में डाल के, जिसमें मैंने एक किशमिश, नारियल और ये खजूरें कुछ काट के मैंने इसमें शामिल करनी है। इन सारी चीज़ों को आपने धोकर काट लेना है, ठीक है? और किशमिश को भी साफ कर लें डंडियों के साथ। 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। आप इसे बीच में, मैं ये पहले इलायची, 2 से 3 अदद इलायची डाल देंगे। इसकी खुशबू थोड़ी सी ये कड़कड़ाने लगे तो हम इसमें सेवइयां डालेंगे। इलायची हो गई है, फूल गई है और दाने भी अब बीच में से बाहर आ गए। ठीक, अब हम इसमें डालेंगे ये सेवइयां 1 प्याली और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। सही, इस तरह से सेवइयां फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें मैंने ये जो ड्राई फ्रूट थोड़ा सा धो के साफ करके रखा है ये इसमें डाल दूंगी। इसको भी हल्का सा मैंने फ्राई कर लेना है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और फ्लेम को बिल्कुल आपने कम रखना है क्योंकि ये एकदम सेवइयां जल जाते हैं फिर। ठीक, अब इसे उतार कर हमने इसमें चीनी मिक्स करनी है। चूल्हे से उतार के अब इसमें चीनी, 1 प्याली सेवइयां थी तो मैं हाफ से थोड़ा सा ऊपर मैं ये चीनी डालूंगी इसमें। इस चीनी को मिक्स कर लें आप, ठीक है? ये चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई। अब यहाँ पर ही हम इसमें पानी डालकर फिर चूल्हे पे रखेंगे। सेवइयों के ऊपर जो पानी आ जाए, ज्यादा नहीं कि बिल्कुल ही वो नरम सी हो जाती है ना, आपस में जुड़ जाती है, वैसे ना हो। ठीक है, अब इसे चूल्हे पे रखेंगे। चूल्हे पे मैंने रखा है, आंच दरमियानी है। ये आहिस्ता आहिस्ता जब पानी पकने लगेगा फिर उसको आंच को कम कर दूंगी। ये देखिए, क्योंकि कलर वाली सेवइयाँ जो होती हैं ये थोड़ी सख्त होती हैं, इस वजह से ये इनके ऊपर थोड़ा सा पानी रहेगा। ये पानी पक रहा है, इस टाइम पे इसको थोड़ा सा आपने चम्मच से ऊपर नीचे ये इस तरह से हिला लें और आग को थोड़ा कम कर लें। ये देखें, अब हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है ये, ताकि सेवइयाँ नरम हो जाए थोड़ी सी, और उसके बाद हम 10 मिनट के बाद इसको खोल के फिर चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए सेवइयाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें निकालते हैं। हमारी ये कलरफुल मीठी सेवइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। आपने देखा कितनी आसानी से और इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।